बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। यमीनुद्दीन अहमद टाइम लेंडर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा एक बहुत पुराना एक एक्सपीरियंस मेरा। एक मरतबा मुझसे मिलने के लिए दो यंग लड़के आए, यानी कि किसी कंपनी के अंदर यंग एम्प्लॉइज़ थे, काम करते थे। तो उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड की थी शायद, और उसके बाद वो मिलने के लिए आए और वाके उन्होंने कहा कि सर हमें एडवाइस करें, देखें हम जो है ना वो अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तरक्की नहीं हो पा रही, कंपनी में हमें प्रमोशन नहीं मिल रही है, और जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने जाने वालों को आगे बढ़ा देते हैं और हम पीछे रह जाते हैं, तो इधर जाती होती है और ऐसे होता है। यानी कि कहना मकसद ये, काफ़ी कंप्लेनिंग उनका जो है ना वो एटीट्यूड था कि जो है ना वो उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है और उनके मैनेजर भी जाती कर रहे हैं और माशरे में आगे बढ़ने के मौके भी जो है ना वो बहुत कम हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने कर ली, मैं उनकी बात को सुनता रहा। मैंने सुनने के बाद उनसे पूछा कि मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल हमारे माशरे में जो है ना वो इस तरह के किरदार भी पाए जाते हैं। लेकिन मैंने कहा मुझे एक बात आप बताएं, तो वो कहने लगे कि जी सर पूछें। तो मैंने कहा सर मुझे ये बताएं कि पिछले एक साल में आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कितनी किताबें पढ़ी हैं। तो कहने लगे किताबें तो नहीं कोई ख़ास पढ़ी। मैंने कहा अच्छा, आपकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, जो एरिया में आप काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केटिंग में हैं या आप सेल्स में हैं या फाइनेंस में हैं, तो उससे रिलेटेड आपने कितनी किताबें पढ़ी, कितनी रिसर्च आपने की। तो कहने लगे कि नहीं वो तो हमने नहीं की। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा पिछले एक साल में मुझे ये बताएं कि आपने अपनी डेवलपमेंट के लिए कोई कोर्सेज आपने किए हों, कोई ट्रेनिंग अटेंड की हों, कोई आपने जो है ना वो सर्टिफिकेशंस की हों, कोई प्रोफेशनल आपने अपने आप को डेवलप करने के लिए आपने कोई ऐसी चीज़ें जो है ना वो अटेंड की हों, क्लासेस ली हों। तो उसमें भी उनका जवाब जो है वो ना में था कि नहीं हमने तो ऐसा नहीं किया, और हमारी कंपनी जो है वो तो देखना ट्रेनिंग तो कंपनी करवाएगी तो हम ट्रेनिंग करेंगे, तो कंपनी तो ट्रेनिंग करवाती ही नहीं है। तो मैंने कहा कि मैंने कहा आपने पिछले एक साल में किताबें भी नहीं पढ़ी, आपने पिछले एक साल में कोर्सेज भी नहीं किए, आपने पिछले एक साल में प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किए। तो मैंने कहा मेरा अपना ख्याल ये है, मैं नतीजे पहुँचा हूँ कि आप जहाँ पर हैं बिल्कुल ठीक है, और अगर आपको प्रमोशन नहीं मिली है, आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं, तो मैंने कहा कि इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा इसलिए कि देखना सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में अपने डेवलपमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है ना वो आपको खुद करनी होती है। आप इस उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट आपके मैनेजर्स करेंगे, आपकी कंपनी करेगी, कोई और करेगा, लेकिन आप खुद वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। अच्छा, मैंने कहा एक बात मुझे और बताओ। कह लेंगे जी, मैंने कहा आपके दोस्त हैं? कह लेंगे जी हमारे दोस्त हैं। तो मैंने कहा अच्छा, आपने दोस्तों के साथ कभी जो है ना वो बाहर जाते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, कभी होता है दोस्तों के साथ खाने पीने चले गए? तो कहने लगे कि हाँ वो तो हम जाते हैं, वीकेंड्स पे मुलाकातें होती हैं, कभी हम किसी जगह चले जाते हैं। तो मैंने कहा जब जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं फिरते हैं, तो कुछ पैसे खर्च होते होंगे उसके ऊपर? तो कहने लगे कि हाँ होते हैं। तो मैंने कहा पिछले एक साल में कितने पैसे खर्च किए होंगे आपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, डाइनिंग आउट के अंदर, जी कोई नया रेस्टोरेंट ट्राई करने के अंदर? तो उन्होंने एक अंदाजे से बताया, पता नहीं मुझे याद नहीं अमाउंट कितनी बताई, कुछ हज़ार रुपये उन्होंने बताए। तो मैंने कहा आप देखें ना, पिछले एक साल में आपने चंद हज़ार रुपये खाने पीने पे, दोस्तों पे, यारों पे, चाय पीने पे, इस पे उस पे खर्च किए, लेकिन आपने पिछले एक साल में एक हज़ार रुपये खर्च नहीं किए किसी अच्छी किताब के ख़रीद कर पढ़ने पर। आपने अपने जो है ना वो एक हज़ार रुपये खर्च नहीं किए कि आप जो है वो कोई अच्छा ऑनलाइन कोर्स कर लेते हैं अपनी फील्ड से रेलेवेंट। तो आपने ये सब चीज़ें नहीं की। तो मैंने कहा देखो, मैंने कहा ज़िंदगी में अगर आपने आगे बढ़ना है और आपने तरक्की करनी है, अगर ये जो एटीट्यूड है ना ये उन दो लड़कों का नहीं है, ये यानी कि मेरे पास जो है ना वो इतने मैसेजेस आते हैं, इतने ज़्यादा मैसेजेस आते हैं फेसबुक के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर, मेरा इनबॉक्स हर वक्त भरा रहता है इसी बात से कि सर मुझे जो है ना वो तरक्की करनी है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, मुझसे ये हो रहा है, ये ज़्यादती हो गई है मेरे साथ, वो ज़्यादती हो गई है, और जो है ना वो मेरे इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं, मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरे बॉसेस ऐसे हैं, मेरी कंपनी ऐसी है, पाकिस्तान में तो जनाब वाली जो है ना सिचुएशन आगे बढ़ने वाली नहीं है। इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स होती हैं, इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स होती हैं। मैं कहता हूँ कि देखें,
अगर हम जो है ना वो कंप्लेन्स करना बंद कर दें और अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, तो कहते हैं ना कि दी बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक इज़ द इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ। ये शायद वॉरेन बफेट का ये कोट है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस बात को प्रैक्टिस किया, इस बात को मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, मैंने अपने इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा है, यानी कि जिन लोगों ने आगे बढ़ना होता है, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना होता है, जो लोग एक बामकसद ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, वो औरों के इंतज़ार में नहीं बैठे हुए होते कि लोग उनके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई उनको कहेगा तो किताब पढ़ेंगे, कोई कहेगा तो वो कोई कोर्स करेंगे, कोई कहेगा तो वो कोई इनिशिएटिव लेंगे, ऐसा नहीं होता। बल्कि जिन लोगों ने ज़िंदगी में कुछ करना होता है, जिनके अंदर वो शौक होता है, जिनके अंदर वो आगे बढ़ने की जो आग होती है ना वो होती है, तो वो लोग खुद इनिशिएटिव लेते हैं मेरे भाई, वो लोग किताबें पढ़ते हैं, वो लोग डेवलपमेंट के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोग दो रोटियां कम खाते हैं लेकिन जो है ना दो किताबें ज़्यादा पढ़ेंगे, ये फ़र्क होता है। तो मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, पाकिस्तान में हो या आप दुनिया में किसी भी जगह पर हो, आगे बढ़ने के मौाक़े दुनिया में बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि मौाक़े नहीं हैं। आप इंतज़ार ना करें, आप अपने आप पर इन्वेस्टमेंट करें। आपका आज का दिन आपके गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि तुम्हारा आज का दिन तुम्हारे गुजरे हुए कल से बेहतर होना चाहिए। वो बेहतर कैसे होगा? आप नई चीज़ें सीखें, आप इल्म हासिल करें। देखें, अगर आप इल्म की तरफ जद्दोजहद नहीं करेंगे तो आप अमल में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अमल जो है वो हो नहीं सकता ठीक जब तक कि मेरे पास सही इल्म ना हो। तो इल्म जो है ना वो हासिल करना, नॉलेज गेन करना, अपने आप को डेवलप करना, अपने आप इन्वेस्टमेंट करना बहुत क्रिटिकल एक्टिविटी है ज़िंदगी की, जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा मफकूद है और अक्सर लोगों ने इस एक्टिविटी को छोड़ दिया हुआ है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कि प्लीज़ अपने आप पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों के ऊपर, और इसको टेक इन फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिए। आपके लिए कोई और आके आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। फैज़ अहमद फैज़ ने कहा था, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ काम किया कुछ इश्क किया, इश्क काम के आड़े आता रहा और काम से इश्क उलझता रहा, और हमने आखिर तंग आकर दोनों को अधूरा छोड़ दिया। ना खुदा ही मिला, ना विसाले से, ना खुदा वहां के रहे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हमें खूब सीखने की, आगे बढ़ने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ आपसे। जज़ाकुमुल्लाहु कुल्लु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।